बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग मलेरिया रोग के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो चैप्टर शुरू किया था मानव स्वास्थ्य एवं रोग में, उसमें मलेरिया को डिस्कस कर रहे थे। जो मलेरिया की बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है, और इसको फैलाता कौन है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर इसको फैलाती है। तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो फैलाती है क्योंकि आधा जीवन चक्र उसमें पूरा होता है और आधा चक्र मनुष्य में। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टर्न पर डिस्कस कर लिया था। अब उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं, जब मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो काटते समय क्या होता है, वो अपनी लार छोड़ देती है त्वचा पर। लार छोड़ने से क्या होता है, लार जो होती है वो एंटी कोगुलेंट का काम करती है, प्रतिजामन का काम करती है, जो रुधिर को जमने नहीं देती, जिससे कि मच्छर जितना रक्त चाहता है उतना चूस लेता है। अगर जो वो ना हो तो उसकी जो ब्लड निकलते ही जम जाएगा, तो उसका जो माउथ पार्ट है उसी में जम जाएंगे, लेकिन वो लार छोड़ देती है। और लार प्रतिजामन का काम करती है, एंटी कोगुलेंट का। तो एंटी कोगुलेंट होने के कारण क्या होता है, रुधिर जमता नहीं और ब्लड मच्छर जितना रुधिर चाहता उतना चूस लेता है। तो इस प्रकार से मच्छर के काटते ही, अगर मच्छर में प्लाज्मोडियम है तो वो काटते ही ब्लड सक करते ही वो मच्छर लार के साथ, क्योंकि मच्छर में ये प्लाज्मोडियम कहाँ होता है, उसकी लार में होता है। और जैसे ही लार छोड़ा तो लार में आ गया मच्छर, वो प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम वो रुधिर में हमारे अंदर पहुँच जाएगा। और रुधिर में पहुँचने के पश्चात ये अपनी जो जीवन चक्र है वो रुधिर में स्टार्ट नहीं करता है बल्कि लीवर में स्टार्ट करता है। तो लीवर में, जैसे कि ये लीवर की सेल्स हैं, ये तीन लीवर की सेल्स बना ली, और इसमें जो मच्छर के शरीर से प्लाज्मोडियम आया है तो वो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है, ये लीवर सेल है, ये प्लाज्मोडियम है और ये लीवर सेल है। तीन लीवर की सेल बनाई और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो ये जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या है, लीवर है? इसके अंदर जो प्रक्रिया संपन्न होगी वो कहलाएगी लीवर साइजोगोनी, लीवर साइजोगोनी। और जब ये इसमें प्रवेश किया तो इसमें एसेक्सुअल डिवीजन होगा, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होगा, सिंपल डिवीजन में बहुत से रचनाएं बन जाएंगी, प्लाज्मोडियम बहुत से बन जाएंगी, और इनको हम कहते हैं, इस अवस्था को साइजोंट कहते हैं, साइजोंट। और फिर साइजोंट जो होंगे ये आकार में थोड़े से बड़े हो जाएंगे। ये लीवर सेल की अलग अलग अवस्थाएं दिखाएगी, और फिर इसके पश्चात ये लीवर सेल फट जाएगी और ये सभी रचनाएं जो अंदर बनी ये बाहर निकल आएंगी, ठीक है ना, ये बाहर निकल आएंगी। और ये स्पिंडल शेप्ड ही होंगी, इनको हम क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिप्टोजॉइट्स, क्रिप्टोजॉइट्स होते हैं। और ये क्रिप्टोजॉइट्स लीवर सेल पर पुनः अटैक कर देते हैं, लीवर सेल पे फिर से अटैक कर देंगे ये। तो फिर ये अंदर प्रवेश करता है, फिर इसमें ये साइजोंट अवस्था आती है, ये सिंपल डिवीजन या समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें बहुत सी रचनाएं बन जाती हैं और फिर आकार में बड़ी होती हैं, और इसको भी हम साइजोंट कहते हैं। और फिर ये जब आकार में बड़ी हो जाती तो ये लीवर से फट जाती और ये सभी रचनाएं बाहर निकल आती। इन रचनाओं को हम मेटाक्रिप्टोजॉइट कहते हैं, इनको मेटाक्रिप्टोजॉइट्स, मेटाक्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ पर ये जो रचना होगी ये
एरिथ्रोसाइटिक होगी, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, पूरी है लीवर साइजोगोनी, लेकिन ये प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होगी और ये पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होगी, है ना। अब इसके बाद ये जो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स होगा ये कहां पर प्रवेश कर जाएगा, आरबीसी में, आरबीसी में प्रवेश कर जाएगा। तो आरबीसी में प्रवेश करने पर ये प्रवेश करेगा, तो यहां लीवर में जो प्रक्रिया चल रही है वो लीवर साइजोगोनी, आरबीसी में चलेगी तो आरबीसी साइजोगोनी कहलाती है। तो ये जब प्रवेश करेगा आरबीसी में, ये क्या है, आरबीसी लाल रुधिर कणिका है, और ये है क्या है, मेटाक्रिप्टोजॉइट्स। तो यहां पर आरबीसी में जैसे प्रवेश करेगा तो ये आकार में गोल आकार का घूम जाएगा, है ना, ये अंगूठी की तरह दिखाई पड़ता है, ये इसका केंद्र ये लाल रंग का यहाँ दिखाई पड़ता है, तो इसको हम सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज कहा जाता है। और फिर इसके पश्चात सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद इसमें क्या होगा कि इसमें जो केंद्रक के ये आकार जो होगा इसका अनियमित हो जाएगा, अनियमित आकार का हो जाएगा, तो इसको ये अनियमित आकार जैसे अमीबा जैसा, तो इसको हम अमीबॉइड स्टेज कहते हैं, अमीबॉइड स्टेज कहा जाता है। और अमीबॉइड स्टेज के बाद ये क्या होता है कि इसमें केंद्रक बहुत से बन जाते हैं और डॉट के रूप में इधर उधर फैले हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इनको हम स्कफनर डॉट्स कहते हैं। और इसके पश्चात इसमें ये केंद्रक जो होते हैं ये गोलाई में अरेंज हो जाते हैं, एक रिंग में अरेंज हो जाते हैं, और गुलाब रेड कलर का होता है आरबीसी, तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह दिखाई पड़ता है, तो इसे हम रोजेट स्टेज कहते हैं, रोज माने गुलाब, तो इसको रोजेट स्टेज कहते हैं। और इसके पश्चात रोजेट स्टेज के बाद ये आरबीसी जो होती है वो फट जाती है, टूट जाती है, और इसके अंदर जो ये स्पोरोजॉइट्स बने ये सब बाहर निकल आते हैं, ये सब बाहर निकल आएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, ये गैमेटोसाइट्स होंगे, ये सब गैमेटोसाइट। अब ये मनुष्य के शरीर में ब्लड में 15 दिन तक बने रहेंगे, अगर ये मच्छर के शरीर में नहीं जाते तो मनुष्य के शरीर के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये कह, ये जो चक्र चल रहा है आरबीसी में, इसको कहते हैं आरबीसी साइजोगोनी, साइजोगोनी, आरबीसी साइजोगोनी कहते हैं इसको, और ये आरबीसी बस्ट हो गई। अब इसमें ये जो बने वो गैमेटोसाइट है, गैमेटोसाइट माइक्रो, दो तरह के होते हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट, ये दो तरह के गैमेटोसाइट बनते हैं। अब ये, अब यहाँ पर ये जो चक्र चलता है इसमें यहाँ पर बीच में एक विशेष प्रकार का केमिकल भी बनता है यहाँ आरबीसी के अंदर, इस केमिकल को कहते हैं हीमोजोइन, हीमोजोइन भी कहते हैं। और जब यही आरबीसी फटती है तो ये हीमोजोइन जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, हीमोजोइन ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, तो इसी के कारण जब ब्लड में आता है हीमोजोइन तो जाड़ा लग करके बुखार आता है, जाड़ा लग करके बुखार आने का कारण क्या है, हीमोजोइन जो आरबीसी में फट बनता है, और जब आरबीसी टूटती है तो इसका हीमोजोइन ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। तो ये मनुष्य के अंदर ये लाइफ साइकिल लीवर में होती है और फिर ये आरबीसी में होती है। अब इसके बाद जब मनुष्य वो मनुष्य के रुधिर को मच्छर चूसता है तो ये जो ब्लड में है आरबीसी में है तो ये मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो ये जो गैमेटोसाइट होगा ये मच्छर की एलिमेंट्री केनाल में, आहार नाल में प्रवेश कर जाएगा। और आहार नाल में क्या होगा, आहार नाल में जाते ही आहार नाल में जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे हम,
गैमेटोगोनी, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मनुष्य में तो क्या सा होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल साइकिल चलती है मनुष्य में, और मच्छर में चलती है सेक्सुअल साइकिल। तो जब मच्छर में पहुंचा तो मच्छर में क्या होगा, इसमें मच्छर में ये सेक्सुअल साइकिल होगी और यहाँ गैमिट बनेंगे, तो इसको कहते हैं गैमेटोगोनी, गैमेटोगोनी, गैमेटोगोनी हो। तो यहाँ पर माइक्रोगैमेटोसाइट जो होंगे उससे मेल गैमेट बनेंगे, और मैक्रोगैमेटोसाइट जो होंगे उससे फीमेल गैमेट बनेंगे, ये अलग अलग गैमेट बनेंगे। तो ये एक माइक्रोगैमेटोसाइट और एक मैक्रोगैमेटोसाइट, ये दो आएंगे, ठीक है ना। और मैक्रोगैमेटोसाइट ये आकार में बढ़ेगा और फीमेल गैमेट बन जाएगा, एक से एक ही बनेगा। और जो माइक्रोगैमेटोसाइट में, इसमें एक्स फ्लैजेलेशन होगा, मतलब कि इसमें ये अलग अलग बड़ी सी ये रचनाएं बनेगी, ठीक है ना। ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः रचनाएं बन जाती हैं, है इसको एक्स फ्लैजेलेशन कहते हैं, ये माइक्रोगैमेट। तो ये माइक्रोगैमेट, ये मेल गैमेट बन जाते हैं। तो ये क्या है, फीमेल गैमेट, और ये क्या है, मेल गैमेट। ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक। अब इसी में क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट अलग हट जाएगा और ये फीमेल गैमेट है, और यहाँ पर ये दोनों का मिल जाएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो निषेचन के पश्चात क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट बनने के बाद ये इसका आकार सिगार के आकार का हो जाता है। तो ये आहार नाल में छेद करके ये देह गुहा में आ जाता है, बॉडी कैविटी में आ जाता है। बॉडी कैविटी क्या होती है, त्वचा और आहार नाल के बीच का जो स्थान होता है इसी को बॉडी कैविटी कहते हैं। तो यहाँ आ जाता है और इसके चारों तरफ सिस्ट बन जाती है, इसके चारों तरफ सिस्ट बन जाती है जिसके अंदर ये सुरक्षित रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, ऊसिस्ट, ऊसिस्ट, ऊसिस्ट कहते हैं इसको, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, ऊसिस्ट कहते हैं। और इसी के पश्चात इसमें क्या होता है, सिंपल डिवीजन होता है, ट्वीन से बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, केंद्र ट्वीन हो गए, डिप्लाइड हो गए द्विगुणित। तो पहला इसमें क्या होगा, एक रिडक्शन डिवीजन होगा और कई सिंपल डिवीजन होंगे, एक रिडक्शन डिवीजन और कई सिंपल डिवीजन होगी। तो यहाँ पर इसको ऊपर करके दिखा देते हैं, ये तो यहाँ गैमेटोगोनी गैमेट्स बन रहे हैं और यहाँ स्पोरोजॉइट बनेंगे, तो यहाँ क्या कहलाएगा, ये स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी कहेंगे। तो स्पोरोगोनी में क्या होगा, ये बॉडी कैविटी में होगा, तो बॉडी कैविटी में ये ऊसाइट बन गया, और ऊसाइट से बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये सिस्ट तो बना रहेगा इसके अंदर बाहर, और इसके अंदर एक रिडक्शन डिवीजन और कई सिंपल डिवीजन होंगे, एक अर्धसूत्री कोश का विभाजन और कई समसूत्री कोश का विभाजन, जिसके कारण इसके अंदर बहुत से स्पोरोजॉइट्स बनेंगे, काफी संख्या में स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। और ये स्पोरोजॉइट्स बनने के बाद इसकी जो सिस्ट होगी ये टूट जाएगी, सिस्ट टूट जाएगी और ये सभी स्पोरोजॉइट्स फ्री हो जाएंगे, ये स्पोरोजॉइट्स फ्री हो जाएंगे। और ये स्पोरोजॉइट्स फ्री हो करके कहां पर आ जाएंगे, ये मच्छर के लार में आ जाते हैं, स्लेवरी ग्लैंड। तो ये क्या है, स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स होते हैं, ठीक है ना, ये स्पोरोजॉइट्स हो जाते हैं। और ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ आ जाते हैं, स्लेवरी ग्लैंड में, स्लेवरी ग्लैंड मतलब कि लार ग्रंथि में आ जाती है। और जो मच्छर किसी मनुष्य को काटता है
तो फिर मनुष्य में ये स्पोरोजॉइट्स पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, मच्छर के अंदर की जो चल रही है ये सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल, लैंगिक चक्र। तो ये मच्छर के अंदर सेक्सुअल साइकिल चल रही और ये मनुष्य के अंदर अलैंगिक चक्र, और आधा जीवन चक्र इधर पूरा आधा इसमें मच्छर में पूरा। तो इसको कहते हैं ये डबल होस्ट एनिमल या द्विपोषी जंतु होता है, ठीक है ना। अब इसको एक बार और से देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो अपनी लार छोड़ देता है, लार में क्या होता है प्रतिजामन या एंटीकोगुलेंट जो कि रुधिर को जमने से रोकता है और जितना ब्लड होता है चूस लेता है, और उसके लार के साथ ही स्पोरोजॉइट मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, और रुधिर में पहुंचने के बाद ये लीवर में अपना अटैक करता है। तो लीवर में जो चक्र चलता है इसको कहते हैं लीवर साइजोगोनी। तो लीवर सेल पर अटैक करता है तो इसे प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं। इसमें यह सिंपल डिवीजन होता है तो बहुत सी रचनाएं बन जाती हैं, और लीवर सेल के फटने पर ये बाहर निकलती है, इनको क्रिप्टो जॉइंट्स कहते हैं। ये फिर से लीवर सेल पर अटैक कर देती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, ये सब क्या है, लीवर सेल, लीवर सेल। और इसके पश्चात ये लीवर सेल में चक्र पूरा होने की वजह से साइजोन बनता है, और यहाँ से जो संरचनाएं बाहर निकलती इन्हें कहते हैं मेटा क्रिप्टोजॉइट्स, और ये मेटा क्रिप्टोजॉइट फिर आरबीसी पर अटैक कर देते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं पर अटैक करते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं पर पहले ये आकार में गोल हो जाता है और अंगूठी की तरह दिखता है, तो इसे सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं, यहाँ केंद्र बीच में है अंगूठी। फिर ये अमीबा के आकार का हो जाता है, अनियमित आकार का ये दिखाई पड़ता है तो अमीबॉइड स्टेज कहते हैं। फिर ये डॉट के रूप में दिखाई देता है, स्टॉपनर डॉट्स कहते हैं। फिर ये केंद्र के गोलाई में अरेंज हो जाते हैं, गुलाब के पंखुड़ियों की तरह दिखाई पड़ता है, तो इसे रोजेट स्टेज कहते हैं। और इसी अवस्था में इसमें एक जहरीला पदार्थ बनता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं, और जब आरबीसी फटती है तो ये बाहर रचनाएं जो निकलती है इन्हें गैमेटोसाइट कहते हैं। ये गैमेटोसाइट दो प्रकार की होती है, माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट। और हीमोजोइन जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो तुरंत क्या होता है, वो आते ही ब्लड में ये क्या बनता है, वो जाड़ा लग करके बुखार आता है, और जब मच्छर फिर काटता है तो ये गैमेटोसाइट जो माइक्रो मैक्रो गैमेटोसाइट है ये मच्छर के शरीर में एलिमेंट्री के नाल में पहुंच जाते हैं, आहार नाल में पहुंच जाते हैं, और आहार नाल में पहुंच करके यहाँ पर गैमेटोगोनी होती है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो माइक्रो गैमेटोसाइट से मेल गैमेट बनते हैं और मैक्रो गैमेटोसाइट से ये फीमेल गैमेट बनते हैं। तो यहाँ पर एक्स फ्लैजलेशन होता है, ये 6 से 8 माइक्रोगेमेट्स बनते हैं एक से, और ये मेल गेमेट फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद ये सिगार किया के आकार का होता जाता है, तो इसे हम ऊकाइनेट कहते हैं। ऊकाइनेट जो होता है ये आमाशय की दीवार में छेद करके मच्छर के, और ये सिलोम या देहगुहा में आ जाता है। तो यहाँ पर इसमें स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, और इसे हम इसके चारों तरफ पुटी या सिस्ट बन जाता है, इसलिए इसको ऊसिस्ट कहते हैं। अब स्पोरोगोनी में क्या होता है कि इसमें एक रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूती कोशिका विभाजन, और कई सिंपल डिवीजन होते हैं, सरल विभाजन होते हैं, और सरल विभाजन के फलस्वरूप इसे बहुत सी संख्या में स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, और इसके पश्चात ये जो सिस्ट होती है ये टूट जाती है। सिस्ट के टूटते ही क्या होते हैं, सभी स्पोरोजॉइट स्वतंत्र हो जाते हैं और ये मच्छर के लार ग्रंथ में आ जाते हैं, और लार में आने के बाद ये फिर क्या करते हैं, मच्छर जब किसी मनुष्य को काटता है तो उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मच्छर में सेक्सुअल साइकिल चलती है और मनुष्य में असेक्सुअल साइकिल चलती है। तो इस प्रकार से इसमें यह जीवन चक्र इसका कंप्लीट होता है दो जीवों में। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।